ये लगातार हम पे झूठे केस लगाते हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाल देते हैं, बिना सबूत के जेल में डाल देते हैं, और किसी भी तरीके दिल्ली का कुछ ना कुछ काम रोकने में इनका प्रयास रहता है। एलजी साहब ने एक और केस कि केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने सत्येंद्र जैन जी को उनको रिश्वत दी। उनको इन्वेस्टिगेशन करने का इतना ही शौक है ना, अगर एलजी साहब सच्चे देशभक्त है तो उनको मोदी जी को आज ही चिट्ठी लिखनी चाहिए। और जो अयोध्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करीब 30,000 करोड़ लगा, जो अभी बहने लगा है और टूटने लगा है इसी साल, उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए, वहां निश्चित तौर पर इनको करप्शन मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर काम करने के लिए बनी है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाजपा को। क्योंकि आज भाजपा जब हरियाणा जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है, तो बार बार भाजपा के नेताओं से पूछा जाता है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रही है, वैसा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है। उनसे हरियाणा में पूछा जाता है कि जब दिल्ली में 24 घंटा बिजली दे पाती है आम आदमी पार्टी की सरकार, मुफ्त बिजली दे पाती है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो ये हरियाणा में क्यों नहीं है। भाजपा के नेताओं से हर जगह पूछा जाता है कि दिल्ली सरकार की तरह हमारे राज्य में महिलाओं को फ्री बस यात्रा क्यों नहीं मिलती। अब भाजपा ये तो बता नहीं सकती कि जो पैसा जनता के लिए अलॉटेड है, जनता के ऊपर खर्च करना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में करती है, वो पैसा तो भाजपा डकार जाती है, तो भाजपा कैसे रोके आम आदमी पार्टी को। ये लगातार हम पे झूठे केस लगाते हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाल देते हैं, बिना सबूत के जेल में डाल देते हैं, और किसी भी तरीके दिल्ली का कुछ ना कुछ काम रोकने में इनका प्रयास रहता है। अब इसी श्रृंखला में एलजी साहब ने एक और केस सत्येंद्र जैन जी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की मंजूरी दे दी है। हास्यास्पद है आरोप। क्या कह रहे हैं एलजी साहब कि केंद्र सरकार की पीएसयू, कि केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी, कि केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने सत्येंद्र जैन जी को, जो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर रहे, उनको रिश्वत दी। कितना हास्यास्पद है ये आरोप। केंद्र सरकार की कंपनी रिश्वत दे रही है, इतनी ज्यादा रिश्वत, इतनी ज्यादा करप्शन, और मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब हम इंतजार में हैं कि एलजी साहब इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी देंगे, कि केंद्र सरकार इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी देगी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अगर रिश्वत दी है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी इन्वेस्टिगेशन उन पर भी होगी। ये केस क्या था? देखिए, दिल्ली में एलजी का काम है क्राइम पर कंट्रोल, नियंत्रण पाना, उसमें एलजी एक टोटल फेलियर रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को सेफ बनाने के लिए, स्पेशली महिलाओं के पर्सपेक्टिव से, दिल्ली को सेफ बनाने के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ठान लिया कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। उस टाइम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, चाहे वो आरडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, चाहे पुलिस हो, सबके साथ मीटिंग कर आइडेंटिफाई किए स्पॉट्स, कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगना चाहिए, उन्होंने पूरा कॉस्ट वर्कआउट किया और पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके कैबिनेट की मंजूरी के साथ अप्रूवल के लिए एलजी साहब को सीसीटीवी के लिए भेजा था। ये अप्रूवल आप सबको याद होगा। 2018 में अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को धरने पर बैठना पड़ा था एलजी हाउस में, ताकि ये सीसीटीवी पास हो जाए, क्योंकि एलजी साहब बैठ गए थे फाइल के ऊपर, उनको तो एक ही आदेश है कि दिल्ली सरकार के काम रोको, दिल्ली वालों का काम रोको। खैर, जब
फाइनली धरने के बाद अप्रूवल मंजूरी मिल गई सीसीटीवी लगाने की दिल्ली में, तो एक प्रॉपर टेंडर प्रोसेस हुआ। उस टेंडर प्रोसेस में जो लोएस्ट बिडर था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केंद्र सरकार की पीएसयू, केंद्र सरकार की नवरत्न पीएसयू, मोदी जी की सरकारी कंपनी, उसको ये टेंडर मिला 1,40,000 कैमरा दिल्ली में लगाने का टेंडर बीईएल को मिला। बीईएल लगातार कछुए की चाल पर काम कर रही थी, बहुत स्लो थी। बहुत सारे नोटिसेस भेजे गए उनको ऑफिशियल तौर पर, सत्येंद्र जैन जी ने भेजे एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बहुत बार ऑफिसर्स को समन किया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस स्लो पेस पर काम चल रहा था उस पर भारी आपत्ति जताई और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिए। इसके बाद सत्येंद्र जैन जी ने एक शो कॉज नोटिस भेजा बीईएल को कि बताओ तुम्हारे ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए। हमारे लिए ये एक बहुत टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे लिए एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था, क्योंकि पहले ही इसमें बहुत डिले हो गया था एलजी की अड़चनों और हरकतों के कारण। तो हमारे लिए टाइम वाज ऑफ द एसेंस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो उनको नोटिसेस भेजे गए, कहा गया कि बताओ कि तुम पे 16 करोड़ की पेनल्टी क्यों ना लगे। इस नोटिस के बाद बीईएल हरकत में आई और उन्होंने अपना पूरा काम समय रहते खत्म कर दिया। सब समय रहते काम खत्म हो गया तो पेनल्टी नहीं लगी। अब 6 साल, सीसीटीवी लगने के 6 साल बाद और चुनाव से 6 महीना पहले एलजी कह रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एक नवरत्न कंपनी केंद्र सरकार की, एक पीएसयू, इसने सत्येंद्र जैन जी को 7 करोड़ की रिश्वत दी। ऐसी लाचार हो चुकी है हमारी केंद्र सरकार की कंपनियां, वो मोदी जी को नहीं बोल पाए, वो कोर्ट नहीं जा पाए और उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हो रही। क्या हुई कि नहीं हुई, कहीं केंद्र सरकार ने इनिशिएट की है, इसका भी तो जवाब दें। ये जो एलजी साहब बार बार इन्वेस्टिगेशन करके हमारे नेताओं को जेल में रखना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने का इतना ही शौक है ना। अगर एलजी साहब सच्चे देशभक्त हैं तो उनको मोदी जी को आज ही चिट्ठी लिखनी चाहिए। और जो अयोध्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करीब 30,000 करोड़ लगा, जो अभी बहने लगा है और टूटने लगा है इसी साल, उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए, वहां निश्चित तौर पर इनको करप्शन मिल जाएगा। धन्यवाद। आज जो है, जिस 17 मई को अपनी चार्जशीट ईडी ने पेश की थी, उसमें मुख्यमंत्री नितिन केजरीवाल आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया था, यानी आरोप बनाया था, उसमें समन हो गया, 12 जुलाई को प्रोड्यूस करना है, इस कदम को आप कैसे लेते हैं? देखिए, कानूनी प्रक्रिया में, ड्रकोनियन लॉज में, पीएमएलए जैसे कानूनों में इसीलिए रखा गया है बिना सबूत के, जहां ट्रायल कोर्ट ने ऑलरेडी निर्दोष डिक्लेयर कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, और उसको ईडी जाकर बिना बेल ऑर्डर के हाईकोर्ट के सामने हुए स्टे मिल जाता है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से हमें एक संगीन पीएमएलए कानून में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जब आप चवन्नी का सबूत भी नहीं मिला। उनका मेन मकसद ही ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को रोका जाए, आम आदमी पार्टी के कामों को रोका जाए, क्योंकि उनको लोगों को जवाब देते नहीं बनता कि उनके प्रदेशों में, भाजपा शासित प्रदेशों में आज भी 24 घंटा बिजली क्यों नहीं मिल रही, मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिल रही, क्यों अच्छी शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा नहीं मिल रही, क्यों 60,000 स्कूल्स पिछले एक साल में ही बंद, सरकारी स्कूल पिछले एक साल में ही बंद कर दिए गए। उनके पास जवाब नहीं है इन बातों के, इसलिए उनको किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को रोकना है।